तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C25S के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर 5 स्टेप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ से हम आपको बताएं कि आप अपने फ़ोन के अंदर 5 तरीके से कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेप की। जैसे कि आपकी होम स्क्रीन है, इस पर आपको 3 फिंगर से स्वाइप डाउन कर लेना और आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आके सेव हो चुका है। वहीं हम बात कर लेते हैं अब दूसरे स्टेप की, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लेना है अपना। जैसे आप उसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाता है स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करेंगे और आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। वहीं से हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड ऑप्शन की। तीसरा टॉपिक क्या है इसका, तीसरा स्टेप, इसके लिए आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन है, आपको ये दोनों एक साथ प्रेस कर देने, आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। हमारे फ़ोन के अंदर ये थे 3 टॉपिक हो गए स्क्रीनशॉट लेने की। अब हम बात कर लेते हैं चौथे टॉपिक के लिए। चौथे के लिए आपको जाना होता है उसके लिए आपको चलना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपकी जो होम स्क्रीन डिस्प्ले है, इस पर आपको 3 फिंगर्स रख के होल्ड कर लेना है थोड़ी देर। जैसे आप इसे होल्ड करेंगे अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट। यहाँ से आप अपने हिसाब से आपको जितना छोटा या बड़ा लंबा पतला जैसा भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ से आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसे सेव कर देंगे तो यहाँ से आप जितना बड़ा चाहिए आपको उतना बड़ा स्क्रीनशॉट मिल जाता है। वहीं से हम बात कर लेते हैं अपनी 5 ऑप्शन की। जो 5 में 5वीं जो ऑप्शन है 5 ट्रिक, उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी इस होम स्क्रीन डिस्प्ले है इस पर आपको 3 फिंगर से स्वाइप डाउन कर लेना है। जैसे ही आपको स्क्रीनशॉट आ जाता है यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रॉल, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितना बड़ा स्क्रीनशॉट चाहिए वो आपको स्क्रॉल करके सेव करा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जितना बड़ा स्क्रीनशॉट चाहिए उसे आप यहाँ से डन कर दें। डन करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है। काफ़ी बड़ा स्क्रीनशॉट है, देख सकते हैं कितना बड़ा स्क्रीनशॉट है। इसे आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, सेंड शेयर जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर 5 टिप्स से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके।